अपने मेंबरान की तरफ से, अपने सभी स्टाफ और स्टूडेंट। इसके बाद मैं नरेंद्र साहब का अनुरोध करूंगा हमारे लिए वरिष्ठ कवि मुकेश शर्मा जी को एक मोमेंट को देकर, इसके बाद सीनियर वाइस चांसलर के रोल पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और उनको इनवाइट करके बुलाया गया। अब तो दूसरा सिस्टम है, यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, काफी बुक्स उन्होंने साइंस में, मैथमेटिकल, फिजिक्स और फिजिक्स के वो बहुत लिखा है। प्रोफेसर डॉक्टर भरत सिंह, चेयरमैन PIIT मींस प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। बेसिकली मैं शिक्षाविद और यंग साइंटिस्ट अवार्डी भी हूँ भारत सरकार से। जहाँ तक सवाल नए सत्र की है, आज आपने देख ही लिया कि जो बीएड का सत्र 2021 और 22 का जो नया सेशन शुरू हुआ है, जहाँ तक आपने एक्सपेक्टेशन की बात मुझको की है, एक्सपेक्टेशन तो बच्चों का मुझसे ज़्यादा है। मेरा एक्सपेक्टेशन बच्चों से सिर्फ है वो अच्छा अपना भविष्य बनाएं, मेरा आशीर्वाद उनको मिले, वो और अपना नाम करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम करें। एक अच्छा आइडल टीचर बन के यहाँ से जाना चाहिए। आप यहाँ से निकले छात्रों को क्या रोजगार के क्या आपने व्यवस्था, कोई ऐसा कुछ है प्लेसमेंट के बारे में? जहाँ तक सवाल आज के सेशन का है, एजुकेशन का, बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें तो ये टीचर्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की कई प्रतियोगात्मक परीक्षाएँ जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं या सिलेक्शन टेस्ट होता है उसको थ्रू ये BEd के और जो DLED है जिसमें अभी TET का नाम आपने सुना होगा जो एक पेपर वो हुआ, इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लग जाते हैं। जिस गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो इसके थ्रू ही जाते हैं। जहाँ तक सवाल वो प्राइवेट स्कूल्स के हैं, उनको जब भी ज़रूरत होती है यहाँ कॉल करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके अपना इंटरव्यू वगैरह दे के सलेक्शन हो जाते हैं। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टेक्निकल एजुकेशन जो मेरे पास और भी हैं, जैसे पॉलिटेक्निक है, सभी ब्रांचेस उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मेंटेनेंस, मैकेनिकल, इनके लिए तो ये रियली दे आर वेरी टेक्निकल पर्सन एज कम्पेयर टू BTech। तो BTech में जहाँ बच्चा एक जाता है वहाँ पॉलिटेक्निक का 100 बच्चे जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को तो वर्किंग हैंड चाहिए, तो वो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर अप्रोच करती हैं कि सर हमको इतने स्टूडेंट चाहिए, तो अपना यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पर सारा एडमिशन इन्फॉर्मेशन दे के बच्चे आ जाते हैं और बच्चे ऑटोमेटिकली वहाँ चले जाते हैं जिनको कि जॉब में इंटरेस्टेड हैं। अपने फीस के अभाव में उसका एडमिशन नहीं रुकता है। दूसरा, कोई भी गरीब बच्चा यहाँ अपनी काबिलियत के अनुसार ले सकता है। दूसरा, अभी मैंने आपके माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट कॉन्फ्रेंस की थी, शायद उसका मैं आपको वो भी भेजूंगा। उसमें मैंने जो ये कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके पेरेंट्स चले गए, उनको मैंने फ्री एजुकेशन दी। इसी बेसिस पर मिस्टर सोनू सूद को आप जानते हैं, सोनू सूद हमसे एसोसिएट हुए, उनकी जो इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पर PIIT ग्रेटर नोएडा आपको हमेशा मिलेगा। बधाई उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने भी हमसे कोलैबोरेशन किया और हमने उन्होंने बच्चों को भेजा, उनको भी हमने फ्री एजुकेशन दिए। तीसरा सवाल है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, वहाँ बेटी बचाओ मैंने 50% ऑलरेडी उनको मिस एग्जाम्पन अभी से नहीं है, पहले से भी है। जो 50% भी नहीं दे सकते हैं तो उनको जो भी दे सकते हैं, मैंने बेटियों को कभी रोका नहीं एजुकेशन से। वो बेटी बहुत महत्वपूर्ण है, दो परिवार को संभालती है, बिल्कुल अपना परिवार भी जहाँ जाती है वहाँ भी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल यूनिकनेस है, तो बेटियों को मैक्सिमम हेल्प मैं करता हूँ। आपके विचार